गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लेसन 4 फॉर द सेम टॉपिक सॉल्यूशंस एंड टुडे वुड लाइक टू डिस्कस द टॉपिक्स आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वी विल डिस्कस टुडे द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दीज थिंग्स. विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स वी कांट क्लियर द टॉपिक्स आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो एक चीज हमें दिमाग से अलग करना है कि जैसे कोई आयनिक बॉन्ड है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, ये इससे टोटली डिफरेंट है. मीन्स क्यों हम डिफरेंट बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है. जैसे यदि हम बात करें, मान लीजिए कि HCl एक मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये दूसरा जब HCl हमारे पास है तो इनके बीच में कैसा फोर्स है, इनके बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है. तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल किस तरह का मॉलिक्यूल है. मीन्स क्या पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. अगेन यदि आप जाते हैं पोलरिटी पर, तो आप जानते हैं कि उसके लिए कोई डायपोल होना ही जरूरी चीज नहीं है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे नॉन पोलर. जैसे ये मॉलिक्यूल्स देखिए, पोलर तो है तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन CO2 भी तो पोलर है, बॉन्ड तो पोलर है. ये देखिए, बट डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो नेट म्यू क्या है, जीरो. सो CO2 इज रिगार्डेड एज ए होल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो ये सारा चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. तो कितने टाइप के फोर्स होते हैं, तो ये जो फोर्स होता है ये होता है पहला डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स. ये क्या होता है कि जैसे आप हीलियम एटम की बात करें, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम से, क्योंकि वो डायटॉमिक नहीं होता, मोनोएटॉमिक है, तो कैसे इंटरेक्ट करता है वो. तो उसमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल. मीन्स कि पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए यदि ऐसा कुछ सेपरेशन हुआ है, यदि उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस थोड़ा सा डिसलोकेट हुए हैं, कोई पोलराइजेशन आया है, तो इससे हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल यदि है, जो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स. यदि आपका मॉलिक्यूल पोलर है, जैसे HCl, ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें एक परमानेंट डाइपोल है. मॉलिक्यूल्स के बीच खुद हमारा डाइपोल्स हैं, और परमानेंट डाइपोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स है, इनके ऊपर ऐसा इस तरह का चार्ज सेपरेशन है. तो ये मॉलिक्यूल्स यदि आपस में मिलेंगे, तो ये इनके पास भी डाइपोल है, इनके पास भी डाइपोल है, तो ये होगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का एक्सट्रीम केस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये तीन एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनके साथ दूसरे एटम के साथ या इनका सेम के साथ यदि हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में भी कंपेयर करना चाहें,
फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसका 3.5 तो इसका 4, लेकिन जब हम इस दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं वाटर और HF, तो इसके बीच यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, लेकिन इनका एसोसिएशन का तरीका क्या है, HF लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है तो ये इस तरह से इनसे लीनियरली अटैच्ड हो रहे हैं, HFN मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है। लेकिन यदि हम एडजेसेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके आसपास दो ही मॉलिक्यूल्स हो पाता है। लेकिन जानते हैं आप वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली सराउंड हो जाता है, तो इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो आप कहेंगे यहां पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑलवेज इसी की बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो ये सारा चीज हमें समझना है। तो पहले हमने आपको बताया कि डिस्पर्सन फोर्स होता है, फिर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका एक्सट्रीम केस है, और यदि हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जैसे ये देखिए HCl है और ब्रोमीन है, यहां पर क्या होगा, ये इसके पास तो परमानेंट डाइपोल है और इनके पास नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल्स जब नियर बाय आएगा दोनों को आप मिक्स करना चाहेंगे तो इसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो यहां पर फोर्स क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। यदि हम कोई बात करें आपको जैसे NaCl वाटर, तो आपको सबसे पहले इस कंपाउंड पे जाना है कि ये कैसा कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है, और ये इसमें क्या है, अभी हमने देखा डाइपोल है, तो इसका जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इस तरह से हमारे कई जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अभी जो हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, उसमें वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने में और वेपर प्रेशर को डिक्रीज करने में, क्योंकि सारा चीज वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, और आप जानते हैं वेपर प्रेशर में पहला हमारा फैक्टर्स ही होता है कि नेचर ऑफ लिक्विड, हमारा वो जो मॉलिक्यूल जिस पे हम विचार कर रहे हैं वो किस तरह का लिक्विड है। यदि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उनके एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी और वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए इस चीज को हमें थोड़ा समझना जरूरी है। इस पर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको ये टॉपिक्स और क्लियर हो जाएगा, फिर हम चलेंगे अपने टॉपिक्स पर। क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस इन द फॉलोइंग पेयर्स। क्या है क्वेश्चन, कि सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। पहला पेयर है हमारा नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ये बेटा वर्ड आपने सुना होगा नॉर्मल, जब अभी 11 क्लास में आपने ऑर्गेनिक किया होगा खास करके हाइड्रोकार्बन में, तो जब भी कोई स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर्स को हम नॉर्मल वर्ड बोलते हैं, एन से एब्रिविएट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है, तो हमें इसी दोनों के ऊपर जाना पड़ेगा कि इनके बीच में कैसा फोर्स है। तो जानते हो हाइड्रोकार्बन सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल नेचर के होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्या बताया था अभी आपको कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में यदि फोर्स होगा तो उसका नाम हम बोलेंगे डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। तो कैसे डिसाइड कर लिया हमने, कि दोनों मॉलिक्यूल्स को चेक किया, ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमारा डिस्पर्सन होगा। दूसरा है I2 एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब I2 का तो आप देख रहे हैं कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो निश्चित रूप से दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो कहीं पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। लेकिन CCl4 में हमें क्या दिख रहा है,
कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या ये पोलर बॉन्ड तो है लेकिन मॉलिक्यूल पोलर है क्या? तो यदि हम इसके इस फॉर्म में जाएंगे तो आप देखो कि ये वेक्टर है, इसका मीन्स बेटा नेट में यहां भी क्या होने वाला है, जीरो। इसका मतलब ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो हमारा सिर्फ जो डाइपोल्स होना ही एक नेसेसरी नहीं है कि वो पोलर हो जाए, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी देखना है। यदि डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है तब हम मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर। तो इसका मतलब ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो फिर फोर्स कैसा होगा बेटा? इसमें भी डिस्पर्सन फोर्स होगा। नेक्स्ट, मिथेनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल में यदि स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें ये पोलर मॉलिक्यूल है, एसीटोन में भी पॉलरिटी आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी बेटा पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या बताया था, पोलर और पोलर के बीच में क्या लगने वाला फोर्स होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आराम से हम पहचान सकते हैं कैसे, सो फर्स्ट विजुअलाइज द कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन। सो मिथेनॉल हैज अ डाइपोल means polar molecule, acetone is also polar molecule, so between two polar molecules there is a force, dipole dipole interaction. One more example we want to take, sodium perchlorate and water. So again it is an ionic compound, so it dissociated into ions and this is dipole. So kya bataya tha abhi aapko NaCl aur water ke sath, आयन डाइपोल, तो यहां से आयन आ रहा है, यहां से डाइपोल आ रहा है, तो इसलिए इस इंट्रैक्शन को हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये चीज यदि हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें उसको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। दूसरा कि हमारा क्या सॉल्वेंट है और किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये हाईली सॉल्युबल होगा, क्या ये इनसॉल्युबल होगा, क्या ये पार्शियल सॉल्युबल होगा, तो ये भी मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह का भी एक हम क्वेश्चन लेते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है उसका क्या नाम है। तो NHN एंड हेप्टेन के बीच डिस्पर्सन फोर्स है, मिथेनॉल और एसीटोन के बीच हमारा डिस्पर्सन फोर्स है, सॉरी I2N CCl4 के बीच, और मिथेनॉल एसीटोन के बीच डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, और सोडियम परक्लोरेट NaClO4 एंड वाटर आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। दूसरा क्वेश्चन ले रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंगेस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्या क्या कंपाउंड लिया है, सॉल्वेंट वाटर ले लिया, सॉल्वेंट वाटर है, और सॉल्यूट में क्या क्या लिया है, एनॉल, टॉलीन, फॉर्मिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड पेंटेनॉल।
अब यहाँ तो आपके पास फिक्स हो गया कि सॉल्वेंट के पास क्या है, डाइपोल है, वाटर डाइपोल है। फिनॉल और वाटर आप जैसे मिक्स करेंगे, फिनॉल को वाटर के साथ यदि मिक्स करते हैं तो इसमें क्या है कि इमीडिएट थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे, ये देखिए C6H5OH, ये देखिए, लेकिन सॉल्युबल कैटेगरी में रखेंगे या पार्शियल सॉल्युबल में रखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये वाटर रिपेलिंग एंड माना जाता है, जो कार्बन का है हमारा हाइड्रोकार्बन का पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। अब देखिए दोनों में कौन डोमिनेंट है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो इसीलिए वो कम घुलने देगा। तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे, पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल। टॉलीन प्योरली हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए। तो ये एकदम नॉन पोलर है, कहीं कोई इसके साथ इंट्रैक्शन का प्रॉब्लम ही इसको क्रिएट नहीं होता। तो यदि आप वाटर के साथ लेंगे तो ये इनसॉल्युबल होगा, लेकिन जैसे ही फॉर्मिक एसिड लोगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत छोटा है, एक ही कार्बन है, और तो इसके साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये हाईली सॉल्युबल की कैटेगरी में है, हाईली सॉल्युबल कैटेगरी में है। इथिलीन ग्लाइकोल, इसमें देखिए, देखिए टू हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो अगेन इट इज हाईली सॉल्युबल कैटेगरी, क्योंकि ये नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। जैसे ग्लिसरीन में तीन होते हैं और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। पेंटेनॉल, अब देखिए यहां पर पेंटेनॉल में कार्बन पांच है, ये फिर हम इस पार्ट को देखते हैं, ये पार्ट बढ़ रहा है हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा, तो इसके कारण पार्शियली सॉल्युबल होगा। तो यदि आपको इस चीज का नॉलेज हो गया तो आप उस सारे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक्स, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ, द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हमारी दो कैटेगरी आ रही है, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच ओबेज रॉड्स लॉ। पहला कंडीशन है ओबेज रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ पता ही आपको क्या कहता है, कि जो भी हमारा कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सो ये ग्राफ लीनियर होना चाहिए, ओबे रॉड्स लॉ। दूसरा कंडीशन कहता है कि डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है इसका, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, अभी जो हम लोग चीज देख रहे थे वो इससे क्लियर होता है कि ये इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब है कि चेंज इन इंथैल्पी वेयर हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब, क्या चेंज हो रहा है, तो कह रहे कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज मीन्स हमारा ना सोल्यूशन गर्म हो रहा है ना हमारा सोल्यूशन ठंडा हो रहा है,
ना कोई हॉट है ना कोई कोल्ड है। इसका मतलब ये सब कब पॉसिबल हो सकता है कि कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल्स होगा, दो आपस में मिलते हैं तो जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का है जो इनमें पहले प्रेजेंट था। मीन्स यदि हमारे पास एक कंपोनेंट ए है एक बी है और इसमें पहले इंट्रैक्शन क्या था, ए ए इंट्रैक्शन, इसमें बी बी इंट्रैक्शन, अब एक नया इंट्रैक्शन बन रहा है इनके बीच सॉल्यूशन बनने के बाद ए बी इंट्रैक्शन। सो इफ द ए बी इंट्रैक्शन इज सिमिलर टू डेट ऑफ ए ए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड बी बी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, देन आप देखो जितना यहां पर बॉन्ड इस ए और ए को तोड़ने में लगा होगा, जितना बी और बी को लगा होगा, उतना ए बी फॉर्म होने में यदि रिलीज्ड हो गया तो आपका नो चेंज इन एंथैल्पी, तभी हम बोलते हैं डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू जीरो, मींस देयर इज नो चेंज इन हीट, नाइदर एवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब, इसको बोलते हैं हम डेल्टा मिक्स एच। तो मिक्सिंग के बाद क्या एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, इसी को हम एब्रीवेट किया है डेल्टा मिक्स एच, सो इज इक्वल टू जीरो। इसको एक यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर समझना चाहें कि ये कैसे ये बात हम कर रहे हैं, जैसे देखो मान लो आपके पास, उसको उससे कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए मैं थोड़ा एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखो जैसे एच और एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 435 किलो जूल एनर्जी लगती है, Cl और Cl को ब्रेक करने के लिए 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है, यहां पर लेकिन बेटा एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यदि इस दोनों अमाउंट जितना एनर्जी आपका रिक्वायर्ड हुआ उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज्ड हो गया तो कहेंगे आप प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यदि कम रिलीज हो रहा होगा तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक, लेकिन यदि एकदम इक्वल हो गया तो आप कहोगे देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। ठीक बेटा, इसको ये केमिकल इंट्रैक्शन था और ये फिजिकल इंट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आप जो मिक्सचर बना रहे हैं वो फिजिकल इंट्रैक्शन है, लेकिन फिजिकल इंट्रैक्शन में भी एनर्जी चेंज होता है, तो इसको समझना है यहां से। नेक्स्ट तीसरा कंडीशन क्या है कि डेल्टा मिक्स भी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज जीरो, मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन नो एक्सपेंशन। कैसे समझेंगे इसको, जैसे हमारे पास एक ए था जो 25 सेंटीमीटर क्यूब था, बी हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब था, जब आप इस दोनों को मिक्स कर दिया और एक ए बी सॉल्यूशन बन गया, अब आप वॉल्यूम देख रहे हैं तो ये वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम कितना था 50, ए प्लस बी को करेंगे तो, अब आफ्टर मिक्सिंग कितना रह गया 50 सेंटीमीटर क्यूब, सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो कॉन्ट्रैक्शन नो एक्सपेंशन। यदि कोई ऐसा है तो आप कहेंगे वो सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आर आइडियल सोल्यूशंस, सो आइडियल सोल्यूशंस आर दोज व्हिच ओबे रॉल्स लॉ, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। बट आप जानते हो कि सिमिलर फोर्स वाला मॉलिक्यूल मिलना तो मुश्किल है, सो आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली इट इज रेयर, बट सम सॉल्यूशंस आर बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कुछ मिलता जुलता है, मतलब एकदम एक तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकली रेयर, नहीं मिल सकता। तो कुछ सॉल्यूशंस हैं जो पेयर्स, जिसके एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन का पेयर है और बिहेव करता है। तो एक एग्जांपल है एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन एंड टॉलीन,
इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ये कुछ पेयर्स हैं जो बिहेव करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के जैसा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, अभी हम जो बात कर रहे थे, स्टार्ट किया था इसीलिए कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा जब NHN और NF10 को हम मिलाएंगे, तो हमारा इस दोनों कंडीशन को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करेगा कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, और ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। और इसका ग्राफ हमने रॉल्स लॉ में आपको दिखाया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? Does not obey Rod's law. ये Rod's law को obey नहीं करता। दूसरा condition, delta mix H is not equal to zero and डेल्टा मिक्स बी इज नॉट इक्वल टू जी, ये रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो मींस या तो हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, या तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या 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 कंडीशन आ गया कि डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ, डेल्टा मिक्स एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब क्यों जीरो नहीं हो रहा है, तो इस पे देखेंगे हम लोग कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा दो तरह का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन किससे पॉजिटिव डेविएट कर रहा है? रॉड्स लॉ से, रॉड्स लॉ से। अब ये देखिए आपका इसके बीच इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन, AA इंटरेक्शन, इसमें बीबी इंट्रैक्शन, नया इंट्रैक्शन क्या हो गया एबी। इसका मतलब है कि एबी इंट्रैक्शन इज वीकर, सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल्स गेट्स इंक्रीजेज इन कंपैरिजन टू एए मॉलिक्यूल्स एंड बीबी मॉलिक्यूल्स। सो दिस फोर्स एबी इंट्रैक्शन इज वीकर देन द प्रीवियस intermolecular force of attraction between AA and BB. This is the main reason. अब बताओ कि ये भी हमारा ये weaker होगा, इसका मतलब कि इसको break करने में ज़्यादा energy लगा, इसको break करने में ज़्यादा energy लगा, और यहाँ जब ये form हुए तो कम energy released हुआ, तो इसका मतलब आपका energy नहीं released हुआ, तो delta H किस form में चला गया आपका? Delta mix एच किस में गया? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि एनर्जी ज्यादा लग रहा है ब्रेक करने में, यहां पर भी एनर्जी ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब एनर्जी फॉर्म हो रहा है एबी से तो कम हो रहा है, तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है, रिलीज्ड कम है, तो डेल्टा मिक्स एच क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि व्हेन ए एंड बी सॉल्यूशन गेट मिक्स्ड आवर टेस्ट ट्यूब बिकम्स गेट्स कोल्डर, आइडेंटिफाई द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वेदर स्विंग पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो आपको क्या बोलना है कि ये कैसा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली
यदि हम बात करें कि इनको लिया था 25 सेंटीमीटर क्यूब, इन्हें भी लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब, अब जब वॉल्यूम मेजर किया हमने तो मान लीजिए आ गया 50.1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आ रहा आपका डेल्टा मिक्स वॉल्यूम, पहले आपका कितना था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आप, तो फाइनल है 50.1, इनिशियल है 50, सो ये भी क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो यदि इस तरह का कंडीशंस आ रहा है कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनमें एक्सपेंशन आ गया है और इनकी वॉल्यूम जो मिक्सिंग के बाद पॉजिटिव आ रही है, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब एक एग्जांपल से चलते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए इथेनॉल है और वाटर, तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जब इथेनॉल और वाटर मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा जितना स्ट्रॉन्गर यहां पे था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, लेकिन जब इथेनॉल वाटर से इंटरेक्ट करता है तो एनर्जी कम रिलीज होता है, तो इसीलिए हमारा ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब ये मिक्स बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, तो हमारा सोल्यूशन एक्सपेंड होगा, तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी मिक्स भी पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। Sorry for disturbance. Zero. Clear का ये one. Again, I am taking B is more brighter. So, this is ideal solution. This is ideal solution, and this is the E total. But if the solution showing positive deviation, graph goes like that. So this graph represents non-ideal solution showing positive deviation. क्योंकि ये ideal है, इससे positively deviate कर रहा है, ये ideal है, इससे positively deviate कर रहा है, और total भी हमारा जो P total है ये भी इनका ज्यादा हो गया। तो एक कंडीशन हम ये भी रख सकते हैं कि जो हमारा रॉड्स लॉ का पी टोटल है, यदि उससे ज्यादा जो हमारा एक्सपेक्टेड हो रहा है, यदि पी टोटल ग्रेटर हो रहा है देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉड्स लॉ, देन सच सॉल्यूशन मस्ट बी नॉन आइडियल एंड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव deviation. So next we'll take non-ideal solution showing negative deviation. Negative deviation. Negative deviation में क्या क्या देखेंगे, एक तो वो Rod's law नहीं follow करता है, तो non-ideal solution है, delta mix H
नेगेटिव जोन में होगा और डेल्टा मैक्स वॉल्यूम भी जीरो से कम है, मतलब दोनों ही नेगेटिव हो। अब फिर से देखते हैं हम लोग, ये दो कंपोनेंट हमारा, इसके बीच में इंट्रेक्शन है ए ए, इसके बीच में बी बी, नया इंट्रेक्शन है ए बी। सो दिस ए बी इंट्रेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द ए ए इंटरमोलिकुलर इंट्रेक्शन एंड बी बी इंटरमोलिकुलर इंट्रेक्शन। सो दैट मीन्स आफ्टर द मिक्सिंग ए बी इंट्रेक्शन द एस्केपिंग टेंडेंसीज ऑफ दिस मिक्सचर्स गेट्स रिड्यूस्ड, सो द टोटल वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ गेट्स रिड्यूस्ड एंड दिस इज द रीजन फॉर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नाउ हियर दिस इज वीकर देन दिस, मीन्स लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट ए ए मॉलिक्यूल इन टू ए एंड ए। सिमिलरली बी एंड बी ऑल्सो रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बट हेयर मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, सो द प्रोसेस इज नाउ एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच वैल्यू इज निगेटिव। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा कि वेन ए एंड बी द टू सोल्यूशन गेट्स मिक्सड द सोल्यूशन और द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, आप कहेंगे निगेटिव डेविएशन। सिमिलरली यदि हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है ए और बी के बीच में, तो निश्चित रूप से कुछ कंट्रैक्शन भी होगा, और जब कंट्रैक्शन होगा तो आपका डेल्टा भी निगेटिव आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर हमने लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपको आ गया 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए डेल्टा भी जो आप लेंगे वो क्या होगा, 49.5 माइनस 50, तो आपका -0.5 आ रहा है, तो डेल्टा भी क्या आ गया, सो इट इज ऑल्सो निगेटिव, दिस वन इज ऑल्सो निगेटिव। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरह के पेयर्स ऐसा करते हैं। जैसे आपके पास एसीटोन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इनके बीच में फोर्स डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन है, इनके बीच में भी फोर इसी पॉलरिटी होती है क्लोरोफॉर्म में, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन होगा। लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे तो जो एक्सट्रीम केस है डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन का, हाइड्रोजन बॉन्ड वो फॉर्म हो जाता है, तो इसका मतलब कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, तो ये इंट्रेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया। ये देखिए डॉटेड लाइन से एमिक फॉर्म मिथाइल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसका मतलब पहले तो सिर्फ डाइपोल डाइपोल था लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, तो एक नया फोर्स होने के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा पेयर जैसे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, HCl एंड वाटर, ये सब पेयर हमारा नेगेटिवली डेविएट कर जाते हैं। इसका ग्राफ देख लेते हैं फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। B is 0, your mole fraction of B increases, so chi is 0, chi is 1, this is P naught, a pure component, vapor pressure of pure, this is vapor pressure of pure component B,
This is again ideal situation. Now, it deviates negatively. So, the total vapor pressure is less than the ideal solution, expected ideal solution measurement. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ किसके लिए हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. तो अभी हमने टॉपिक लिया था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच ओबे रॉड्स लॉ एंड non-ideal solutions are those which do not obey Rolle's law. तो क्या conditions आ गया था ideal solutions में? Delta H mix is equal to 0, delta V mix is equal to 0. लेकिन non-ideal solution में आपने देखा कि क्या हो रहा था कि non-ideal solutions में हमारे पास ये delta H mix is not equal to 0, delta V mix is not equal to 0. तो उसमें आपने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं. तो इस पे कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या आंसर करोगे आप, क्या डेफिनेशन होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ एंड डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू रॉड्स लॉ? व्हाट काइंड्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू रॉड्स लॉ? तो सही तो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं आप, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो रॉल्स लॉ को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, ओबे ही नहीं करता. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि नन. क्यों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन कैन नॉट बी डेल्ट थ्रू रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ से हम इसको डील ही नहीं कर सकते. What kind of solution would a carbon disulfide and acetone mixture form? Carbon disulfide and acetone. Carbon disulfide and acetone. देखिए विचार करिए क्या होगा. Carbon disulfide and acetone. वीकर इंट्रैक्शन होगा इनके बीच. और यदि आपको पूछे दूसरा पेयर, बताइए व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो आप क्या बोलेंगे कि इनके बीच में और इनके बीच में क्या बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा. और कैसा? नेगेटिव डेविएशन. So, आज हम लोगों ने रॉल्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. और किस तरह से ये सारा चीज किस पे डिपेंड है, तो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वहां से रिलेटेड था वेपर प्रेशर, इसको हमने आज डील किया. और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ये हमारा कल के क्लास में होगा. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.